अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैदराबाद इज कुकिंग विद शबो एंड व्लॉग्स। में आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी फेमस रोटी के सुतरियाँ। पकलो आटा भिगा कर रखी हूँ, मैं गूंद कर रख दी हूँ, और दो प्याज की डली कट कर रखी हूँ, और चार टमाटर ली हूँ बारीक पीसेस बना कर रखी हूँ, दालचीनी, शाहजीरा, चार लौंग, दो इलायची, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना, दो हरी मिर्ची ली हूँ, और दो प्याज की डली काट कर कढ़ाई में डाली हूँ, गैस में चढ़ा दी हूँ। अब 50 ग्राम ऑयल डालना है, चार बड़े चम्मच ऑयल डाली हूँ। अगर आप सरसों का तेल डालना चाहते हैं तो सरसों का तेल डाल सकते हैं, मैं नॉर्मली डाली यूज़ करती हूँ वही डाली हूँ। अच्छे से फ्राई करना है, और गरम मसाला डालना है, दालचीनी, इलायची, शाहजीरा, अच्छे से मिक्स करना है इन सभी को। ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है, जलाना नहीं है प्याज को, इस तरीके से फ्राई करना है। अगर आपके पास कल के बासी रोटी रखी हुई है तो आप भी बघारे सुतरियाँ बना सकते हैं गोश्त डालकर। मैं बघारे बना रही हूँ और आटा गूंद कर, मेरे पास रोटी नहीं है इसलिए। अगर आप बासी रोटी से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और चार टमाटर कटे हुए डालना है, इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है, इसी ऑयल में फ्राई करना है प्याज को, टमाटर को, ये देखिए। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ये देखिए। और 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ 1 स्पून, हल्दी डाली हूँ 1/2 स्पून, नमक अभी नहीं डाली हूँ मैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है मसाले में, अदरक लहसुन की स्मेल चले जाए, हरी मिर्ची काट कर रखी हूँ, और कोथमीर पुदीना दाल डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, ऑयल में ही अच्छे से फ्राई करना है, टमाटे को अच्छे से भुनना है, ये देखिए। धीमी आंच में मैं बना रही हूँ, अगर स्पीड में रख दी तो टमाटे पूरे जल जाते हैं, इसलिए है सो धीमी आंच में बना रही हूँ। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए टमाटर, 3 गिलासेस पानी डाली हूँ, फिर बाद में 2 गिलास पानी अभी डाली हूँ मैं, अब 3 गिलास पानी डाली हूँ, और इस मसाले को अच्छे से पकाना है, उबाल आ जाए इसमें, अच्छे से उबाल आना है, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालना है आप, अच्छे से मिक्स करना है। आप आटा जो गूंद के रखी थी, मैं रोटी डाल रही हूँ, तवा चढ़ा दी हूँ मैं, 6 रोटी पके हैं, ज़्यादा रोटी को पकाना नहीं है, ये देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो रहा सुतरियों का। बघारी सुतरियाँ बना रही हूँ मैं, अगर आप गोश्त डालना चाहते हैं तो गोश्त भी डाल सकते हैं। 6 रोटी बनी है, मैं 5 से 6 बनाई हूँ, इस तरीके से पीसेस बनाना है, छुरी से काट रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से मैं पीसेस बनाई हूँ। अगर आपके पास बासी रोटी है तो आप इस तरीके से काट कर बना सकते हैं। मसाले में अच्छे से उबाल आ गया, अब डाल रही हूँ मैं रोटी, पीसेस बनाए से रोटी डालना है, ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है, 3 गिलास पानी डाली थी मैं जब रोटी डाली हूँ, अब रोटी जो डाली हूँ मैं, पानी की कमी है इसलिए 2 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं, ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है, रोटी को अच्छे से पकाना है मसाले में, 2 गिलास डाली हूँ पानी में, अच्छे से मिक्स करना है। अगर नमक टेस्ट में फीका लगा तो आप नमक चख कर डाल सकते हैं। कुछ देर के लिए पकाना है रोटी को, 2 गिलास पानी डाल दी हूँ मैं, ये देखिए सुतरियाँ तैयार हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से पक रहे,
नाश्ते के लिए मैं बनाई हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए आप भी घर में ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से तैयार। ये देखिए अच्छे से तैयार हो रहे हैदराबादी फेमस बघारी सूत्रियाँ हैं। ये ज़बरदस्त मज़ेदार पकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हो, नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल वॉच करिए। मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करिए। मेरी आईडी डॉन पे जा रही, प्लीज़ फुल वॉच करिए आप लोग। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ एवरीवन, और अच्छे 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 वीडियोस डालूँगी मैं।